और अगला सवाल है, दुनिया में अक्सर मसाइल तकबरी, लालच, जहालत और गुर्बत की वजह से होते हैं। ठीक है हजूर, इस्लाम इन मसाइल का क्या हल पेश करता है? क्या तकबर के खिलाफ है इस्लाम? तकबर को शैतान कहता है और तकबर का जितना मुखालिफ इस्लाम है, मेरे इल्म में दुनिया में कोई मज़हब नहीं है जो इस्लाम तकबर जो मज़हब तकबर के इतना खिलाफ हो जितना इस्लाम मुखालिफ। दूसरी बात क्या है, लालच और हिर्स, इसके भी इस्लाम बड़ी सख्त मुखालफत करता है। तीसरी बात क्या थी, जहालत और गुर्बत। जहालत भी इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरमाया कि इल्म सीखो ख्वाह उसके लिए चीन जाना पड़े। तो इल्म को बहुत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी है, तो ये जहालत की कला कम करने वाली बात है। हजूर, जहालत और गुर्बत को पाकिस्तान में कैसे मिटाया जा सकता है? कोशिश तो लोग करते हैं। पाकिस्तान में जहालत के खिलाफ भी एक जदोजहद हो रही है और अब देख लें आप असम्बलियों में उन्होंने इल्म का मेयार कितना ऊंचा कर दिया है। पहले हर कसो नाकस जो मैट्रिक फेल हुआ करते थे वो भी वजीर बने जाते थे। अब मुशर्रफ साहब ने कानून जारी किया है कि बीए से कम को वोट बनाने का हक नहीं। इसलिए हज़रत कह रहा हूँ जनरल मुशर्रफ साहब जहालत के ख़िलाफ़ एक जहाद कर रहे हैं, अब वक्त लगेगा उसको ठीक होने में।